Hi dear students I am Shinde sir welcome you to student point academy in this today's video we are going to learn a english lesson of 8th standard unit 1, 1. 1.2 it is of english medium maharashtra state board 8th standard english medium 1.2 लेसन नेम इज डिक विंगटन एंड हिज कैट डिक डिकन एंड हिज कैट ओके डिक इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय हु इज हैविंग अ कैट डिक बॉय का नाम है जिसके पास एक बिल्ली थी तो दिस स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे नाउ वी विल सी देयर वाज़ वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन लिव इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड तो एक डिक नाम का लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था स्मॉल विलेज इन साउथ इंग्लैंड कहाँ पे? सदर्न पार्ट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के साउथ में रहता था ही हैड नो पुअर ही हैड नो प्रॉपर होम फॉर बोथ हीज पेरेंट्स फॉर बोथ हीज पेरेंट्स हे डाइड एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजेस ही हैड नो पुअर होम मतलब उसके पास घर भी नहीं था ओके okay? और उसके जो पेरेंट्स थे बोथ पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा हैड डाइड वो मर चुके थे एंड ही वॉज अनकाइंडली अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स ट्रीट करना मतलब से संभालना या उसके साथ व्यवहार करना अनकाइंडली मतलब बुरा व्यवहार तो उसके माता पिता के मरने के बाद जो विलेज के लोग थे मेनी पीपल नॉट ऑल मेनी ऑफ द विलेजर बहुत सारे लोग उसके साथ इम प्रॉपर यानी बुरा बर्ताव करते थे वन डे एक दिन क्या हुआ फिर डिक ओवर हेडेड सम सेज दैट द स्ट्रीट ऑफ लंडन वर पाउड विद गोल्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो दियर एट वंस एंड पिक हिज अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट फॉर द फॉर ही थाट पीपल माई ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वर रिच तो वनडे वर्डअपन एक दिन क्या हुआ कि डिक ओवर हैडेड मतलब उसे सुनाई दिया कि कोई तो भी कह रहा था सम वन सेज दैट कोई तो भी कह रहा था कि द स्ट्रीट ऑफ लंडन जो लंडन के रास्ते हैं वर पाउड विद गोल्ड मतलब उन रास्तों पर गोल्ड बीछा हुआ है सोना बीछा हुआ है एंड ही डिसाइडेड और जब उसने ये सुना कि लंदन के रास्तों पर सोना बिछा हुआ है तो उसने डिसाइड किया उसने निश्चय किया दैट ही वुड गो देयर एट वंस वो जल्दी से वहां पे जाएगा एंड पिक अप हिज फॉर्चून और वो अपनी किस्मत आजमाएगा अपनी किस्मत में जितना भी सोना है वो ले लेगा इन गोल्ड पीसेस उस गोल्ड पीसेस पे वो अपनी किस्मत आ जाएगा फ्रॉम द स्ट्रीट रास्ते पे से फॉर ही था पीपल माई ट्रीट हिम मोर काइंडली और उसे लगा कि लोग उसके पैसे उस यानी गोल्ड उठाने के बाद इफ ही वर अ रीच और वो जब अमीर बन जाएगा तो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ऐसा डीक ने सोचा सो यंग डिक सेंट आउट टू वॉक टू लंडन सेट आउट टू वॉक टू लंडन तो यंग डिक डिक ने सोचा सेट आउट किया मतलब एकदम निश्चय किया कि अभी मुझे लंडन चलना चाहिए वॉक मतलब चलना चाहिए He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो वो ज्यादा दूर नहीं गया, गया था He had not gone far, वो ज्यादा दूर नहीं गया था when a man तब एक आदमी ने cart कार्ट, कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, गाड़ी. उसमें से उसे रोकने को कहा स्टॉप करके उसे पूछा इफ ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द होम क्या वो घर छोड़कर तो नहीं भाग रहा है आई हैव नो होम डिक आंसर्ड और डीक ने आंसर दिया कि मेरे पास घर नहीं है आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चून और मैं लंडन जाना चाहता हूँ और मैं लंडन जाने के लिए निकला हूँ टू फाइंड माई फॉर्चून मेरी किस्मत ढूंढने के लिए मैं लंडन के रास्ते निकल चुका हूँ ना ये दो पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन है वट इनोसेंट बिलीव मेड डी डिसाइड टू गो टू लंडन तो इसका आंसर ये है कि

बुलक कार्ट के अंदर बैठा था या घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा था उसने कहा कि मैं भी लंदन ही जा रहा हूँ जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर आ जाओ मेरे बाजू में बैठ जाओ अप मतलब मेरे पास आकर बैठ जाओ दोनों मिलकर लंदन की यात्रा पूरी करते हैं दोनों मिलकर लंदन चलते हैं दे अराइवड इन लंडन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द काट लेफ्ट एंड मेड हिज वे टू एन इन अब जैसे ही नाइट फॉल के समय दे अराइव्ड इन लंडन वो लंदन पहुंच गए बिफोर नाइट फॉल रात होने से पहले वो लोग लंडन लो 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 पहुंच गए एंड द कार्टर लेव डिक एंड मेड हिज वे टू इन और कार्टर ने उसे रास्ते पे छोड़ दिया जहाँ से वो लंडन की गलियों में अंदर जा सकता था जहां उसकी मर्जी है पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे Poor, मतलब गरीब नहीं बेचारा बेचारा डिक स्टूड अलोन अकेला खड़ा होकर इधर उधर लग देखने लगा अराउंड ही और चारों तरफ रास्तों पर देखने पर डिसमे हो गया डिसमे का मतलब यहाँ पे ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो हताश हो गया उसे बहुत ही फील हुआ वो नाराज हो गया ओके okay? डिस मतलब नाराज होना वेर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड मतलब जो रास्ते पे मैंने सोना सुना था तो रास्ते पे सोना नहीं है वो कहा गया ऑल फाइन गोन ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल्स उसे रास्ते पे सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही थी और अनफ्रेंडली मतलब अननोन पीपल जो किसी से बात नहीं कर रहे थे ही हैड नाउ वेयर टू स्लीप ही हैड नो वेयर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एल ए वेर ही होप ही वुड कम टू नो हा अब उसके पास नो वे टू स्लिप सोने के लिए कोई जगह नहीं थी एंड एट द एंड और आखिरकार ही हैजू स्पेंड हिस नाइट उसे अपनी रात कहा गुजारनी पड़ी कॉर्नर ऑफ एले एले मतलब होता है पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग नैरो पैसेज मतलब बिल्डिंग के बाजू में एक छोटी सी गली टाइप होती है छोटी सी जगह टाइप होते है छोटा सा गैलरी टाइप निकालते हैं एले कहते है उसे तो वहां पे उसे अपनी रात गुजारनी पड़ी रात भर उस एले में सो गया वेर ही होप ही वुड कम नोहम उसे लगा कि वहां पे उसे कुछ भी नुकसान नहीं होगा और वो गली में सो गया ओके पैसेज बिहाइंड बिल्डिंग बिल्डिंग के पीछे या बाजू में द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वो कब कोल्ड मिजरेबल एंड वेरी हंगरी दूसरी सुबह डीक उठा उसे ठंडी लग रही थी वो भूखा था ही वॉज हंग्री ओके ही वॉज मिजरेबल हताश था वो ही वॉन्टेड अराउंड बिगनिंग फॉर फूड बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड आई थिंक गो अवे यू लेजी फेलो बी ऑफ विथ यू एंड एम एंग्री ब्लोज एट हीज Head. Now he wandered around. He wandered मतलब इधर उधर भटकने लगा. Beginning for food खाना ढूंढने के लिए क्योंकि सुबह उठकर उसे भूख लगी थी. But again फिर से, again and again people shouted at him. जैसे इंग्लैंड में उस पे लोग चिल्लाते थे, उसके बाद तिरस्कार करते थे, वैसे ही लंडन में भी होना होने लगा. और लोग कहने लगे, Go away you lazy fellow. लेजी मतलब आलसी तुम यहाँ से चले जाओ बी ऑफ विथ यू यहाँ से दूर रहो एंड एम्ड एंग्री एल्बो ऑन ही साइड और एक ब्लो से एंग्री ब्लो से गुस्से से एक झन्य उसके सर पे दे मारा एट लास्ट ही कोलैप्स इन द स्ट्रीट एंड ले देर टू वीक एंड लुक फर्दर फॉर फूड और आखिरकार एट लास्ट ही कोलैप्स वो वहीं पे गिर गया इन द स्ट्रीट रास्ते पे एंड ले देर और वहीं पे लेट गया गिर के लेट गया बहुत ही कमजोर हो चुका था और वो फर्दर फूड के लिए खाने के लिए इधर उधर तलाश रहा था बाई चांस डिक फॉलन इन फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल मिस्टर फ्रीज वर्न अब बाई चांस यानी अचानक उसके नसीब से है ना डीक कहाँ पे गिरा था फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू रीच मर्चेंट यानी एक अमीर व्यापारी के घर के सामने जिसका नाम था मिस्टर फ्रीजवेरन उसके घर के सामने वो गलती से गिर पड़ा था द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे वैन मिस्टर फ्रिज वेरन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग शिप जब मिस्टर फ्रीजवेरन वेरन शिप उसके शिप का बिजनेस था वहां से वो इंस्पेक्शन कर कर मतलब वो शिप प्रॉपर है नहीं है उस पर माल चढ़ा नहीं चढ़ा ये सारी चीज़ें देखकर जब वो घर लौट रहा था उतने ही बीच में उसका कुक डिक को बाहर निकाल रहा था उस रास्ते से घर के सामने से भगा रहा था क्योंकि उसके मालिक का आने का समय हो गया था इॉप एंड सेट डिक वाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड तो उतने में ही मिस्टर फ्रीजवर्ड ने उसे देखा और उस बच्चे को रोका और उसे कहा कि अगर सच में तुम्हें भूख लगी है तो तुम काम क्यों नहीं करते व्हाई डोंट यू वर्क नाउ आई वुड वर्क सेड डिक बट आई नो नोबडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू आई वुड वर्क मैं काम करने को तैयार हूं डिक ने कहा बट कोई भी यहां मेरे पहचान का नहीं है और कोई भी मुझे यहां पे काम नहीं देगा टेक हिम इनटू द किचन मिस्टर फ्रिज ऑर्डर्ड ऑर्डर द कुक फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम तो टेक हिम इनटू टू द किचन फ्रिज ने कहा अपने कुक को कि इसे अंदर किचन में लेके जाओ अब कुक मतलब होता है खाना पकाने वाला बावर्ची। अपने बावर्ची से कहा ने बावर्ची से कहा कि इसे अंदर लेके जाओ फीड हिम मतलब इसे खाना खिलाओ फर्स्ट देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम और इसके लिए कुछ काम ढूंढो काम बताओ इसे कुछ काम दो सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग फिर डिक को एक घर दिया गया जहां पे वो रह सकता था ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक टू स्लीप इन एंड जॉब ही टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैंस इन द किचन उसे रहने के लिए जगह भी दी गई ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर एक छोटा सा कोना दिया गया था ऑफ द एटिक एटिक मतलब होता है अ वेरी स्मॉल रूम इन साइड अ पॉइंटेड रूफ मतलब एक छोटा सा कमरा पॉइंटेड रूफ पॉइंटेड रूफ मतलब कोई कोई किसी किसी के घर में अंदर से जब जीना जाता है तो जीने के नीचे कुछ जगह बच जाती है तो वहां पे एक छोटा सा वो रूम बना लेते हैं ऐसे टाइप रूफ के नीचे एक छोटे से छत के नीचे एक छोटा सा कमरा था स्टोर रूम टाइप वहां पे उसे रहने को जगह दी गई जॉब वर्स और उसका काम क्या था वो कुक की मदद करेगा बावरची की मदद करेगा जितने भी पॉट्स पैंस किचन में रखे उन्हें धोने का और सर्व करने का उसकी मदद करेगा डिक लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस अब डिक का जो जीवन था पहले से काफ़ी अच्छा होने लगा बेटर अच्छा उसे महसूस होने लगा क्योंकि उसे खाना पीना कुछ नहीं मिलता था लोग उसका तिरस्कार करते थे लेकिन अब उसे एक रहने के लिए छत भी मिल गई और खाने को खाना भी मिल गया अब उसके से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना था बट देयर वर टू डिफिकल्टीज अभी भी उसके पास दू, दो परेशानियाँ थी मुश्किलें थी अब वो क्या थी हम आगे देखते द फर्स्ट वॉज उसमें से पहली थी दैट द हैड स्लैप्ट इन वॉज ओवर रन बट रैट्स एंड माइट्स अब वो जो जगह थी छोटे से रूम में एटिक में वो ओवर रन थी छोटी सी थी और वहां पे चूहे रैड्स एंड माइस चूहे वहां पे इधर से उधर दौड़ते रहते थे एंड नाइट दे स्क्रैम्पड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक और वो रात के समय उसके ऊपर स्क्रैम्पर्ड स्क्रम्पर्ड मतलब रन हियर एंड देयर इधर से उधर उसके ऊपर से भाग रहे थे और उसे पूरी रात जागना पड़ा अवेक मतलब जागना आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई सेविंग अ फ्यू पेनिस ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ अट अब उसने क्या किया इसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने ढूंढ लिया कैसे ही सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे सेविंग बाय फ्यू पेनिस पेनिस मतलब उसे जो पंखा मिलती थी जो पैसे दिए जाते थे उस काम के बदले उसमें से कुछ पैसे बचा कर उसने एक अपने लिए एक बिल्ली खरीद ली और जिसकी वजह से वो बिल्ली अपने रूम में रखता था और बिल्ली पूरे छूह खा जाती थी और वो आराम से सो पाता था इन नो टाइम एट ऑल द कैच इज अवे ऑल द रैट एंड माइज द डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली और बिल्ली रात भर उन चूहों को चेस करती थी पकड़ती थी खाती थी और डिक आराम से पीसफुली शांतिपूर्वक सो पाता था नियर जब तक हमारे सामने कोई डिफिकल्टीज नहीं आती तब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है और जैसे डिफिकल्टीज आती है हम अपने आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं न आगे बढ़ते हैं। द अदर डिफिकल्टी दूसरी जो डिफिकल्टी थी वो तो पहली थी अब दूसरी क्या थी विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम वॉज द कुक्स बैड टेम्पर मतलब दूसरी जो परेशानी थी वो वहाँ का बावरची था और बहुत ही सनकी था टेम्पर था गुस्से वाला था तो उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था टू ओवरकम ओवरकम मतलब सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम मतलब उससे पीछा छुड़ाना उससे बचना नामुमकिन के बराबर था शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे वो हर समय डिक के ऊपर चिल्लाते ही रहती थी एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून इवन वेन ही वॉज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड और वो दिन भर उस पर चिल्लाती रहती थी स्कोल्ड करती थी गालियां देती थी और उसे लकड़ी के चम्मच से मारती थी जबकि वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह काम करता था नाउ वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इन नो मोर अब एक रात डिक ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगा अब ज्यादा वो यहाँ पे नहीं रुकेगा अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज सेट आउट विद हिज कैट टू सी हिज फॉर्चून एल्सवेयर जैसे ही दूसरी सुबह हुई तो कुक के उठने से पहले बाबरची के उठने से पहले वो वहां से निकल गया टू तो सर्च अपनी बिल्ली को लेकर वहां से निकल गया टू सर्च हिज फॉर्चून एल्स वो अपनी किस्मत को आजमाने दूसरी जगह निकल पड़ा द टू ऑफ देम वॉकड एज फार एज होलो वे वो काफी दूर तक चलते गए चलते गए चलते गए काफी दूर तक चलते गए ऑन देयर वे आउट ऑफ द लंडन द डिक सेट डाउन ऑन स्टोन एंड रेस्ट चलते चलते वो लंडन से बाहर निकल गए और वहाँ पे एक पत्थर पर जाकर डिक आराम करने लगा इट वॉज द फर्स्ट ऑफ नवम्बर वो एक तारीख थी नवम्बर महीने की ऑल डे सेंट्स मतलब पुजारियों का दिन था एंड द चर्च बेल वॉज रिंगिंग और चर्च की बेल जो बज रही थी वो न, एक नवंबर का दिन था एज डीकट एंड लिसन इट सीम दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम तो डिक उस आवाज को उस बेल की आवाज को सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसे लगा सीम डैट उसे ऐसे लगा कि वो जो आवाज कर रही थी वहां से उसे एक मैसेज दे रही थी डिक को कोई तो भी मैसेज आ रहा था क्या आ रहा था टर्न अगेन विटिंग टर्न दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन तो वो बेल का आवाज उसे ऐसा लग रहा था कि वापस लौट जाओ विटिंगटन तुम वापस लौट जाओ दो वर्दी सिटीजन और एक दिन तुम इस राज्य के सबसे अमीर आदमी बनोगे द मेयर ऑफ लंडन क्या बनोगे तुम इस लंडन के मेयर बनोगे तो तुम छोड़ के मत जाओ लंडन को और यहां से वापस घर लौट जाओ लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन सेट डिक ड ने कहा मैं मेयर बनूंगा इस लंडन का आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन यानी मुझे पसंद है मैं लॉर्ड मेयर तो बन जाऊंगा और मैं अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमूंगा अच्छे कपड़े पहनूंगा मैं अमीर बन जाऊंगा आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ दैट इज वॉट इज इन स्टोर ऑफ फॉर मी उसने सोचा कि अगर कुछ गालियाँ सुनकर कुछ मार खाकर कुछ बुरा बुला सुनकर अगर मैं लंदन का मेयर बनता हूँ तो मुझे जाना चाहिए सो हिज कैट रिट्रेड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फ्रिजवर्न हाउस लकीली देवर एबल टू स्लीप बैग बिफोर दे हैड बीन मिस्ड मतलब डिक ने डिसाइड किया कि अब वो वापस मिस्टर फ्रिज के घर वापस लौट जाएगा और लकीली उसके नसीब अच्छे थे कि कुक और मिस्टर फ्रिजवर्न उठने से पहले वो वहां पर पहुंच गया था जबकि वो उसे ढूंढते कि कहा गया कहा गया थ पुटअप विथ का मतलब होता है टेट कि वो बर्दाश्त कर सकता है नेक्स्ट पहला मिस्टर फ्रिजवेरन यूज टू सेंड शिप फार अक्रॉस द सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज मिस्टर फ्रिजवेरन कैसे थे वो अपने शिप्स को अपने जहाजों को दूसरे दूसरे कंट्रीज में भेजते थे ट्रेड व्यापार करने के लिए ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इट फारे प्लेस एंड देन दे वुड ड्रिंक बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम तो फ्रिज वेर क्या कहते लोगों से बेचने की जो भी चीजें रहती थी जिससे व्यापार हो सके ऐसी चीजें अपने शिप पे भरकर और कुछ कैप्टन के लिए शिप के कैप्टन के खाने पीने का छोड़कर क्रिय के लिए छोड़कर चीजें बेचने के लिए व्यापार करते थे और वहां से जो भी चीजें मिलती थी वो लाकर यहाँ पे वो सोल्ड करते थे या उससे घर चलाते थे वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टूगेदर एक दिन उसने अपने सारे नौकर चाकर को बुलाया आई एम सेंडिंग अ शिप टू अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड मैं अपने जहाज को अफ्रीका भेज रहा हूं ही सेट वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर ऑन इट क्या तुम में से कोई अपनी कोई चीज would you of you like to send something of yours on it? क्या उस जहाज़ पर तुम अपनी कोई चीज़ देना चाहोगे chahoge you can then share in the profits of the voyage is successful अगर तुम अपनी कोई चीज़ इस शेप में डालना चाहो तो उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो यात्रा में शेयर किया जाएगा अगर वो सेल हो गया तो उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा Everyone वन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक हुड नथिंग फॉर ऑफर मतलब सभी लोगों ने सभी वहाँ के कर्मचारियों ने अपने पास की एक एक चीज कुछ ना कुछ वहाँ पे शिप में डाल दी जिसके बदले व्यापार अगर सक्सेस हुआ अगर वो चीज़ बिकी तो उनको उसका दाम मिलेगा लेकिन बेचारे डिक को छोड़कर क्योंकि डिक के पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे देने के लिए हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक

पुट समथिंग इन फॉर हिम तो डिक वेरन ने कहा कि ठीक है तो अपनी बिल्ली ही शिप में रख दो तभी उसकी बेटी ने कहा फ्रिज वेरन की बेटी एलेस ने कहा कि ही लव हिज कैट वो अपनी कैट से बहुत प्यार करता है ही लव हिज कैट लेट मी पुट समथिंग फॉर हिम तो इससे अच्छा मैं ही उसके नाम से कुछ शिप में डाल देती हूँ बट फादर सेड नो इट मस्ट बी हिज नॉट समथिंग बिलोंग टू समन एल्स तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं यहां पर जो भी चीज जाएगी वो उसकी खुद की होनी चाहिए दूसरे की मदद की हुई नहीं नॉट ऑफ समेच हिस् कैट एंड सैड गुड बाई टू हिट सैडली तो डिक ने अपनी बिल्ली को उस शिप में छोड़ दिया और उदास होकर उसे बिल्ली को उसने बाय कह दिया से गुड बाय टू दट कैट द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सिलेंट माउजर एंड सो ही है कैप्टन वॉज डिलाईटफुल डिलइटफुल मतलब खुश हुआ कैप्टन शिप का जो कैप्टन था वो बहुत खुश हुआ क्यों क्योंकि कैट जो थी एक्सीलेंट माउजर थी माउजर मतलब एन an एनिमल That catches mice. मतलब ऐसा प्राणी जो चूहे पकड़ता है तो चूहे पकड़ने में वो एक्सीन थी वस्त थी एंड सो हीड नो ट्रबल विद और जो यात्रा पे उस शिप जाने वाली थी वहां पे उस कैप्टन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी चूहो से है ना ही वॉज हैप्पी आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बार्बरी वेयर पीपल कॉल्ड मोर्स लाइफ मतलब कुछ महीने के बाद शिप पहुंच गई अफ्रीका कोस्ट अफ्रीकन कोस्ट में पहुंच गई बारबरी मतलब द रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर पीपल कॉल्ड मोर्स लाइफ वहां पे लोग कहते थे मोर्स, मोर्स मतलब ग्रेनाइट पत्थर जहां पे ग्रेनाइट पत्थर ज्यादा मात्रा में मिलता था वैसे जगह पे ओके द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू हैड फाइन गुड फॉर द सेल एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द प्लेस टू शो दैम और वहां के कैप्टन ने पहुंचने के बाद जहाज के कैप्टन ने एक मैसेज भेजा एक संदेशा भेजा वहां के राजा को कि उसके पास बहुत अच्छी चीजें हैं जो वो बेचने के ला, लिए लाया है और आप आकर उसका मुआइना करे उसे देखे उन चीजों को देखे और आप खरीदे वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड द क्वीन सम ऑफ फूड वर ब्रॉट इन बट ऑलमोस्ट इमेडली रैट एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन आईज एट ऑल द फूड तो जैसे ही राजा और रानी वहां पे आए वो सामान देखने के लिए उतने में उस कैप्टन uh, ने कुछ खाने के लिए चीजें मंगवाई थी डिशेस ओके okay? तो जैसे ही वो डिशेस आती राजा रानी के हाथ में तो इमिडिएटली तुरंत वहां के चूहों ने उस खाने पर हमला कर दिया उस कैप्टन की आंखों के सामने और पूरा खाना खा गए द कैप्टन वॉज एस्टॉनिश एंड आक्स्ट दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपन तो कैप्टन ने पूछा एस्टोनिश हो गया यानी वो एकदम चिंतित हो गया और उसने पूछा कि ये सारी चीजें क्या है ये ऐसे हो रहा है क्या ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है खाने को सामान नहीं मिल रहा चूहे इधर उधर खुद यस हा केम द रिप्लाई द कंट्री इज सफर एंड वी कांट गेट राइड ऑफ तो राजा महाराजाओं ने कहा कि हां चूहों की बड़ी परेशानी है उसकी वजह से महामारी आ गई है प्लेग की बीमारी फैल रही है और पूरी कंट्री इससे परेशान है पूरा अफ्रीका इस महामारी प्लेग बीमारी से परेशान है आई थिंक आई मे द पैलेस तो उस कैप्टन ने एक संदेश भेजा अपने व्यापारी के हाथ से पहले उसने राजा को कहा कि शायद इसका आंसर मेरे पास है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये बोलकर उसने अपने एक व्यापारी से संदेश भेजा कि शिप पे से जहाज पे से डिक की जो बिल्ली है उसे पैलेस में उसे दरबार में लाया जाए उसे महाराज के महल में लाया जाए मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट एंड द माइस अपियर एज बिफोर फिर उस कैट को लाने के बाद बहुत सारा खाना वहां पे फेंका गया रखा गया और यही खाना देखकर वहां से चूहे उस खाने को खाने के लिए आ गए द कैट इमिडियटली पॉन्च चिल्ड एटलीस्ट डिफोर द स्केटर्ड एवरी वन वॉज डीड एंड कॉल दिस एनिमल जैसे ही वो चूहे माइज एंड राइट वहाँ पे खाना खाने आए तो कुछ ही पलों में कुछ ही सेकंड में बिल्ली झपट पड़ी पाउंस मतलब झपट पड़ी पंजा मारने लगी पकड़ने लगी एक एक डजन भर चूहों को विद इन अ सेकेंड खाना चालू कर दी और बाकी सब चूहे भागने लगे स्कैट इधर उधर और एवरी वन वॉज डिलइटेड वहां पे सब जन राजा रानी सब खुश हो गए और रानी ने पूछा वट डू यू कॉल दिस एनिमल इस प्राणी को क्या कहते हो आप लोग पुशी कैप्टन कैप्टन ने कहा कि पुश उसका नाम है पुश एंड वेन द क्वीन कॉल पुश पुश द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पुर जैसे ही महारानी ने फिर पुष पुष करके बुलाया तो बिल्ली उनके पास चालू चली गई और पुर करने लगी मतलब घुर्राने लगी बिल्ली जब आपके पास आती है जो जिनके पास पेट एनिमल है कैट या जिनके घर में कैट है वो जब हमसे आके चिपटती है तो उसके नाक से एक आवाज आता है पुर करके है ना तो वैसे आवाज आने लगा द क्वीन वॉज अ लिटल अलार्म एट फर्स्ट हैड सीन हाउ फर्स्टली द कैट हैट शी वॉज लिटल अलार्म मतलब उसका अलार्म बजा नो no. वो चौक गई थोड़ा सा उसे थोड़ा सा डर लगा एट फर्स्ट उसे देखकर बिल्ली को देखकर वो थोड़ा चौक पड़ी रानी फर्स्टली अटैक द रैट एंड द माइज बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू एंशियस पुश इज वेरी फ्रेंडली विद द पीपल ही सेड एंड वुड सून राइड योर किंगडम ऑफ रैट एंड माइज तो वो रानी को याद है कि बिल्ली ने एकदम लपक झपक कर उन चूहों को खाना चालू कर दिया तो शायद उसे भी कुछ नुकसान ना पहुंचाए लेकिन उतने में उस कैप्टन ने बताया कि एंक्शियस होने की डरने की कोई बात नहीं है परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि कैट जो है फ्रेंडली एनिमल है इंसानों के साथ फ्रेंडली रहती है वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और जल्दी जल्द वो पूरे चूहों को आपके राज्य से किंगडम से किंगडम मतलब राज्य से मार डालेगी और भगा देगी आई वुड गेव अ ग्रेट वेल टू ओन दिस एनिमल फिर रानी ने कहा कि इस बिल्ली के बदले मैं बहुत सारा वेल्थ वेल्थ मतलब धन देने को तैयार हूं इस बिल्ली को अपनाने के लिए जो चाहे वो देने को तैयार हूं सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड दैट द किंग वुड by the whole cargo फॉर from, from Mr. फ्रिजबर ship to pay a fine price for it and for the cat alone the king paid टेन times the sum again. तो अगर राजा को वो बिल्ली चाहिए तो राजा को उस शिप का पूरा माल लेना होगा इसके लिए बार्गेनिंग चालू हुई कैप्टन और राजा के बीच बार्गेनिंग मतलब मोल तोल मोल होने लगा तो राजा ने कहा कि ठीक है मैं वो पूरे शिप उस कार्गो का उस पूरी शिप का जो भी सामान है वो पूरा खरीदूंगा और जो सामान का प्राइस है उसके दस टाइम इस बिल्ली के लिए मैं दूंगा आई विल पेंड टेन टाइम्स मनी द सम अगेन फिर से दस गुना उसका पैसा मैं देने को तैयार हूँ वैन द शिप केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंडन जब शिप वापस लंडन आई पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है वो एरिया लंडन द कैप्टन शोड मिस्टर फ्रिज वेरन द गोल्ड एंड ज्वेलर्स ही हैड ड्रॉट फ्राम द बराबरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट द मर्चेंट एंड द डिक और वो कैप्टन शिप का कैप्टन जब वापस लंडन आया और उसने मिस्टर फ्रीज को अपने मालिक को वो गोल्ड वो ज्वेलरीज सोने चांदी हीरे मोती सब दिखाएं जो उसने वहाँ से लाए थे अफ्रीका से लाए थे और उसने वो पूरी कहानी बताई बिल्ली के बारे में और फिर मिस्टर डिक को बुलाने भेजा गया फ्रॉम नाउ ऑन डिक वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर फॉर यू आर अ रिच मैन फिर उसने कहा, मिस्टर फ्रीजवर्न ने कहा कि डिक आज से हम सब तुम्हें मिस्टर विंगटन कहेंगे क्योंकि तुम आज से एक अमीर व्यक्ति बन गए हो मिस्टर फ्रिज म ऑल द मनी द कैप्टन हेड रिसीव फॉर द कैट और मिस्टर विंगटन ने क्या किया फ्रिज बैरन ने क्या किया उस बिल्ली के बदले जितना भी पैसा मिला था वो सारा का सारा पैसा डिक को दे दिया उसके कैट का जितना भी पैसा था वो पूरा मिस्टर डिक को वापस कर दिया फ्रॉम दिस टाइम और उसी समय से फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्ड विदर फ्रेज बैरन एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिम सर और उसी समय से मिस्टर डिक फ्रिज वेरन के साथ व्यापार करने लगा और एक सक्सेसफुल व्यापारी बन गया ही वॉज इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंडन फिर उसने अपने मालिक फ्रिज वेरन की ही बेटी से शादी कर ली और उसके लिए वो उसके बाद तीन बार लंदन का मेयर बनकर भी चुन के आया ही वॉज ऑल्सो इन द किंग इटेड बाय द किंग एंड बिकम्स सर रिचर्ड विंकटन अब नाइटेड का मतलब होता है ग्रेट हाईली ऑनर्ड टाइटल मतलब जैसे हम लोग पद्मश्री वगैरह देते हैं नवाजते है, जैसे गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी लेकिन उन्हें क्या कहते थे हम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी तो उसी तरह नाइटेड उसे एक नए नाम से ऑनर दिया गया कि सर रिचर्ड विंक्टन कहे नाम से सम्मानित किया गया ही वॉज नॉट ओनली फेमस वो फेमस ही नहीं हुए प्रख्यात ही नहीं हुए बट ही वॉज पॉपुलर टू बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विद हिज मनी और हमेशा वो गरीब लोगों की मदद करते थे उनके पास जितना भी धन था उससे वो गरीब लोगों की सेवा करते थे डिक समटाइम्स वेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ द लंडन

तुम बहुत अमीर बनने वाले हो और इस लंडन के मेयर भी बनोगे तो डियर हियर वी एंड द लेसन, हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें एक ही चीज मिलती है कि अभी फिलहाल हम हमारे जीवन में मुश्किलें आए हो कितनी भी परेशानी आई हो लेकिन हमें उससे नाराज नहीं होना है और हमें मेहनत करते रहना है काम करते रहना है क्योंकि एक दिन हमारी किस्मत चमकेगी और हम भी अपने मंजिल को पा सकेंगे तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस